पूरे देश में लॉकडाउन होते ही लोग अपने घरों में कैद है, तो वहीं जगह जगह फंसे लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। काफी दूरी तय करने के बाद लोग थक हार कर मुरादाबाद के पीतल नगरी बस डिपो पर बैठे हुए हैं। बस यही आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें कोई मदद मिले और वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इन मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए 10 बसों का इंतजाम किया है, जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाएगी। जब इस बाबत सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें 10 बसों को भेजने का आदेश मिला है, जिसका हम बाखूबी पालन कर रहे हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार सवारियों से सामान्य किराया वसूला जा रहा है, तो कहीं एक बड़ा सवाल ये कि मेहनत मजदूरी करके घर वापस लौट रहे कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन पर पैसों का अभाव है, उन्हें उनकी मंजिल कैसे मिले। बिना पैसे के लोगों को बस से उतार दिया गया और घर जाने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये लोग घर कैसे पहुंच पाएंगे। क्या यहाँ कब से खड़ी हो? हम लोग कई दिन से यहाँ फेंकल जा नहीं पा रहे हैं। गांव कहाँ से आई हो? गोरखपुर से। और जाना कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर जाना है। हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रही हो यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 1 घंटे से। क्या कहा गया बस वाले द्वारा? बस वाले कहे कि जाएगी बस इतना 600 रुपए भाड़ा लगेगा। 600 रुपए भाड़ा लगेगा? अगर भाड़ा नहीं है तो कुछ बताए नहीं। तो आपके पास भाड़ा नहीं है जाने के लिए? नहीं। तो आप इसलिए बैठी हैं यहाँ? हाँ। आगे इनसे कर्मचारियों से बात करी थी आपने? हाँ, बस वाले से पूछे थे। क्या बोला? वो तो बोले कि 600 रुपए लगेगा। हम बोले नहीं अंकल भाड़ा, उसीलिए यहाँ पे बैठे थे। तो आपको तो फिर उतार दिया बस वाले ने? उतारा नहीं, अभी पता करने आए थे जाएगी मिले, हम लोग को पहुँचना है कि नहीं अंकल। अब तो हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं अंकल? तो पैसा नहीं है तो कैसे पहुँचोगी आप? अब वही तो सोच रहे हैं अंकल, इसीलिए तो बस के पहले यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे पहुँचें गांव गोरखपुर। क्षेत्रीय प्रबंधक पीतल नगरी डिपो। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है कि भाई जो यात्री दूर दराज से पैदल आ रहे हैं उनके लिए बसें चलाई जा रही है, कितनी बसें मुरादाबाद से चल रही हैं यात्रियों के लिए? देखिए, जिस प्रकार से यात्री पैदल चल के आ रहे हैं और हमारे बस अड्डों पर भीड़ हो रही है, प्रशासन आदेश देता है उस प्रकार से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ यात्री ऐसे भी बैठे हैं, एक परिवार है जिसके 8 लोग यहाँ पे बैठे हुए, उन पे पैसे नहीं है जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमने बस चालक से कहा था कि हम पे पैसे नहीं है, हमें घर जाना है, और वो सीतापुर जाएंगे। उनके लिए कोई सुविधा क्या इस तरीके की निकाली है सरकार ने कि उनके पास पैसे नहीं, वो चले अपने घर? इस प्रकार का हमारे पास कोई ऐसा तो फिर उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने क्या कोई नहीं, हमारे पास इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। ये है कि जो यात्री यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए बस सेवा उपलब्ध करवाने का आदेश है। कितनी बसें चलाई जा रही हैं? कोई निर्धारित नहीं है, जैसे वो हो जाती है, भीड़ हो जाती है, उस प्रकार से भिजवा दी जाती है व्यवस्था करके। अभी जैसे कि सुना जा रहा है कि 3 बसें अभी तक निकल चुकी हैं यहाँ से, अब अगली बस कितने बजे यहाँ से निकलेगी? अगली अब भीड़ देखेंगे बस अड्डे पर, अगर वो होती है तो प्रशासन से आदेश लेकर के उनको भिजवाया जाएगा। भीड़ के हिसाब से बसें चल रही हैं? जी, यानी कि ये माना जाए कि जब तक उनके पास पैसे होंगे तो उन्हीं वही लोग। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसा कोई आदेश है। मतलब यात्री से पैसे ले जा रहा ना? हाँ, टिकट बन के जा रही है। लगभग कितनी बसें निकल चुकी होंगी सुबह से? तो मात्र 8 बसें निकली अभी तक। Thank you.